हेलो जी वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? खुदा के रहमो करम से ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हमने घर का ये देखो लिया भी ठीक ठाक है। लिया हेलो करो, हाय करो। हाँ तो लिया भी ठीक है। और हम लोगों ने जो है आज घर पे जो है काफ़ी सफाई वगैरह की, कपड़े वगैरह धोए, आपको बैकग्राउंड में जैसे नज़र आ रहा होगा। तो अब जो है सारे कपड़े वगैरह ख़त्म हो चुके हैं और घर की सफाई भी हो चुकी है और हम लोग फ्रेश भी हो चुके हैं। तो सुमन फ्रेश हो रही है और मिश्रा फ्रेश हो रही है और इसके बाद हम लोग दिखाएंगे आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चैलेंज। तो चैलेंज क्या है वो आगे जाके आपको वीडियो में पता चलेगा। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे मामा ने बताया कि मेरा और सुमन का ज़बरदस्त चैलेंज होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त चैलेंज होने वाला है। तो वो बताते किसका होने वाला है, ये तो मैंने बता ही दिया, मेरा और सुमन का चैलेंज होने वाला है। तो सुमन वो बैठी हुई है। सुमन असल में अपनी वीडियो जोड़ ली है, वीडियो देख रही थी। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं भी। और अभी उन्होंने कहा चैलेंज बहुत मज़ेदार, आप लोगों ने स्किप नहीं करनी वीडियो। हाँ तो आपने हमारे चैनल को ना लाइक और सब्सक्राइब और अच्छे से कमेंट और शेयर भी करना है ना मामा? हाँ यार मुझे आदत हो गई तेज बोलने की सच में मैं जब कैमरे के सामने आती ना तो मुझे आदत हो गई तेज। तब तो बातें करनी चाहिए। हाँ तो इसलिए मुझे तेज बोलने की आदत हो गई है। तो अभी पापा भी नहीं काम से नहीं मामी नरमीन के नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वैसे जब कैमरे के सामने आते तो फिर मुझे मेरा दिल करता है मैं जोर जोर से बोलूं। तो अभी चैलेंज होने लगा। ये देखे तो पिज़्ज़े हैं, आपको पिज़्ज़ा दिखाती हूं। और ये दो बंदे हैं, ये मैं मिशेल हूं और ये सुमन। जैसे कि आप जानते हैं ये सुमन है और ये मिशेल है। तो ये पिज़्ज़े हैं। तो आज होने लगा बड़ा ही खूंखार जो है चैलेंज। पिज़्ज़ा छोड़ो, ये पिज्जा से लड़ रहे हैं। तो ऐसा कर लेते हैं। तो व्यूअर्स अभी जो है पहले जो है सेटलमेंट हो रहा है। ये तुम बहुत तेज हो। नहीं मैंने ये नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये देखा कि दो कार है ना। तो ये देखो मेरे चार पूरे और यहाँ हो गया कि ये फ्लेवर ये भी खाएंगे और मैं भी खाऊंगी। तो ये है जी फ्लेवर, एक है मलाई बोटी और ये है एक तिक्का बोटी। तो अभी आपने बताना है कि कौन विनर है और कौन जीतेगा। चलें जी, 1 2 3 स्टार्ट। और बहुत ही मज़े ले रहे हैं ये दोनों, और एक एक पीस दोनों ने उठा लिया। और इडली वो आप इधर हो जाओ। तो आप लोगों ने कमेंट्स करना, बताना है कि कौन जीता और कौन हारा है। तो हमारी लाइट चली गई। हम लोग काफी देर से मिशेल से कह रहे थे कि उठ जा और मिशेल जो है ना इसको सुनाई नहीं दे रहा था। और ये पिज़्ज़े न्यू रेस्टोरेंट खुला है, बहुत अच्छे पिज़्ज़े हैं। यूपी से कार्ड से मंगवाया, मतलब और हमने ये कल एक कार्ड जो है वो लिया था और आज हमने उसको ट्राई करने के लिए हमने पिज़्ज़े मंगवाए थे। तो ये हमें जो है 250 का पिज़्ज़ा जो है हमें जो है 150 में मिला है ना सुमन। और चैलेंज भाई बहुत सख्त चल रहा है, मिशेल तो आज जीत रही है। मेरा भी एक नहीं खत्म हुआ और उन्होंने दूसरा खत्म, उन्होंने दूसरा कर लिया। तो वाह भाई वाह, चैलेंज तो वाकई बहुत जबरदस्त जा रहा है। मुझे नहीं हारना, उसने बोला आपको पता है कौन जीतता है। तो आपको जोश आ गया, मुकाबला सख्त है। और मिशेल का एक रह गया और सुमन के दो रह गए। तो कौन जीता कौन हार है? मिशेल हार गई है। तो मिशेल जोश में तो बहुत थी, हार ही नहीं हूँ। तो क्या हुआ? खुद ही कहा हार ही नहीं हूँ, मैंने दो खा भी लिए, मैं तीसरे पे स्टार थी। तो क्या हुआ, बस कर दिया? तो फिर आप हार गए हो ना जिसने। हाँ इसने बस की लिए हार दी ना। क्यों तुमने बस की? नहीं बस। तो
तो कौन जीता कौन हारा मुझे तो समझ ही नहीं आई। विवश मैंने खाना खाया असल में, मतलब मैं ये खा रही हूँ, मैं जीत गई है ना मामा। हाँ तो फिर सुमन जीत गई ना, जो बस करेगा जो हार मानेगा वही हारेगा ना। अभी मैं तो खा रही हूँ तो मैं तो भी पूरा फिनिश कर दूँ। नहीं खाओ ना, मींस के मैं पूरा जीत गई। नहीं हाँ। बस मैं जीती हूँ, आपने कमेंट करके बताया। तो व्यूअर्स हम लोग आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कौन जीता कौन हारा। मिशेल ने खाना, क्योंकि मैं खा रही हूँ अभी, जिसने कहा मैं अपने बस, और अभी मैं ये खाऊंगी। मिशेल जो है उसने खाना खाया हुआ था बस अभी, तो इसलिए उसकी हो गई थी बस। हाँ मैंने बस किया, मतलब कि मैं हार गई यार, मैं कोई बात नहीं हार के भी मैं जीत गई। तो हाँ जी आपको कैसा लग रहा है? और मैंने पूरा पिज्जा खाया है क्योंकि मैंने खाना नहीं भिंडियों के साथ खाया था, काफी अच्छा चैलेंज है क्योंकि मैं जीत गई। क्योंकि हाँ अच्छा, इसलिए भी, और इसलिए भी कि पिज्जा क्रेजी है ना ये। हाँ पिज्जा क्रेजी, और मैंने पिज्जा पूरा खत्म किया, और इसको मैं नहीं चैलेंज हार दे जल्दी किसी से। पिज्जा लवर भी है ये, तो मैं जीत गई। कोई बात नहीं, मैं हार गई, मुझे बहुत हार के भी अच्छा लग रहा है। हाँ सर हार के अच्छा लग रहा है, मुझे हार के भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आपने कमेंट्स में बताना है मिशेल आप ही हारी हैं या जीती हैं। हाँ जी आपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। सुमन जीत गई तो मुझे बहुत खुशी हो रही, सुमन जीती तो मैं हार गई, कोई बात नहीं। तो अभी बस आपके सपोर्ट की और आपके प्यार की हमें बहुत जरूरत है, खूब सारा हमें सपोर्ट करें, और हमारे आजकल व्यूज बहुत कम आ रहे हैं ना मामा। नहीं फिर भी खुदा का शुक्र है, बहुत खुदा उनका बहुत शुक्र है, फिर भी आपके सपोर्ट और आपके प्यार की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही हाँ जी। तो सुमन कुछ बोलना चाहोगे? तो विवश मेरी मामा के चैनल को सपोर्ट कर रही, ठीक है, पूरी वीडियो वॉच किया करें, तो हम लोग कोशिश करेंगे अच्छी वीडियो वो कर सकें, अच्छी डाल सकें। अब हम लोग अच्छी वीडियो ही बनाएंगे, अभी बहुत जल्द आपको एक बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली है। चैनल पे जो वीडियो है वो घर की रूटीन की, घर की रूटीन की, मतलब लोग बोर भी हो जाते होंगे। मैं बाहर जा नहीं रहे, हमारे बाहर चक्कर नहीं लग रहा, तो बाहर बाहर नहीं मतलब जरूरी नहीं है बाहर जाके वीडियो अच्छी बनती है, घर पे भी रहकर वीडियो अच्छी एंटरटेन बन सकती है। मतलब अगर कोई वीडियो देखता है तो वो यही देखता है कि हमें वीडियो अच्छी हो, तो मज़ा आए वीडियो देखने, एंटरटेन हो, एंटरटेन ना भी हो मतलब एक मज़ा आए वीडियो देखने, वीडियो की स्टोरी हो कुछ, तो हम लोग एक टॉपिक होना चाहिए वीडियो। हाँ टॉपिक मामा का वीडियो का अच्छा हो, अच्छा कंटेंट हो, तो आप लोगों ने मामा के चैनल को सपोर्ट करना है। तो भी वीडियो पिज्जा भी बहुत अच्छा था, हम लोगों ने एक कार्ड लिया था तो हम लोग जो है वो चेक कर रहे थे। तो गाइज आपने ऐसे ही हमें सपोर्ट करना है, दुआ में याद रखना है और बहुत सारा प्यार देना है। तो गाइज हम लोग मिलते हैं, तो मेरी एक फ्रेंड है मैविश, मैविश लाइफ स्टाइल उनके चैनल का नाम है, और उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी और काफ़ी दिनों से मैं याद करती रहती हूँ वीडियो बनाने के टाइम, लेकिन मुझे याद नहीं रहता। तो उनकी बेटी का नाम, तो उनकी बेटी का नाम है अरबिश, और आपने अरबिश को दुआओं में याद रखना है और बहुत सारा प्यार देना, और उसके लिए बहुत सारी दुआ करनी है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बच्ची हॉस्पिटलाइज रही है बहुत देर तक, एडमिट है ना वो। हाँ नहीं अब आ गई हैं वो घर पे, तो आपने उनको दुआओं में याद रखना है और उनके लिए बहुत सारी दुआ करनी है ताकि वो तंदुरुस्त हों और अपनी माँ की। तो आपने जो है ना दुआओं में उसको याद रखना है और बहुत सारा प्यार देना है ऐसे ही हमेशा की तरह। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए।